हेलो एवरीवन, इट्स देवेश मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल एक्सप्लेन। और आज हम करने जा रहे हैं फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट बीकॉम सेमेस्टर 6 की सीरीज जो है हमारी, इसका चैप्टर नंबर 5। तो इससे पहले के जो चैप्टर्स हैं, SOLDU में हो अगर आप, या रेगुलर में हो, या फिर आप NCVAB में हो, और अगर आपके पास फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट सेमेस्टर 6 में बुक है, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस सीरीज का आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट। और इससे पहले के जो चैप्टर्स हैं वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं सारे, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप एक एक करके चैप्टर वाइज सारी वीडियोस को वॉच कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, और अगर किसी को भी इसके नोट्स परचेज करने हैं तो नोट्स रेडी हो चुके हैं, FOI इस बुक के नोट्स रेडी हो चुके। जिनको भी नोट्स बाय करने हैं वो अब मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। स्क्रीन पे जो नीचे मेरा नंबर शो कर रहा है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि सर हमें नोट्स बाय करने हैं। तो मिनिमम अमाउंट जो भी आप पे करके नोट्स की सॉफ्ट कॉपी PDF को परचेज कर सकते हो, जिसमें ऑल चैप्टर्स होंगे इंग्लिश मीडियम में और शॉर्ट पॉइंट्स में एक्सप्लेन होगा, सारी चीज़ें आपको ईजिली कवर हो जाएगी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो जो नोट्स लेना चाहते हैं वो मैसेज कर देना। और आज हम करेंगे इसका चैप्टर नंबर हमारा 5 है, मतलब कि यूनिट सेकंड का सेकंड चैप्टर है वैसे तो, अगर हम अपने सीक्वेंस के हिसाब से बताएं तो 5 है। बॉन्ड वैल्यूएशन, आज हम बॉन्ड वैल्यूएशन चैप्टर रीड करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 5 जो है बॉन्ड वैल्यूएशन का। बॉन्ड वैल्यूएशन के अंदर हम जो पहले पढ़ेंगे वो इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन से हम पॉइंट वाइज सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में यहाँ पे क्या दिया है, इन ऑर्डर टू मेक ए रेशनल डिसीजन वाइल इन्वेस्टिंग इन एनी असेट्स, इट इज़ नेसेसरी टू फाइंड आउट द रियल वर्थ और फेयर वैल्यू ऑफ दैट असेट। कह रहा है कि अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हो अपनी किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने का कोई असेट को, तो सबसे पहला काम ये है, सबसे नेसेसरी चीज़ ये है कि आपको अपनी नेसेसरी उस असेट की फेयर वैल्यू पता होनी चाहिए। जो भी आप असेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो या जहाँ भी उसको इन्वेस्ट कर रहे हो, अपनी असेट्स की जब तक फेयर वैल्यू आप लोगों को नहीं पता होगी, तब तक आप आगे अच्छी कीमत उस पर नहीं ले पाओगे। इफ़ द असेट इज़ अवेलेबल इन द मार्केट ए प्राइस विच इज़ लेस दैन द इंट्रेंसिक वैल्यू, अगर उस असेट की वैल्यू मार्केट में जो है आपकी वैल्यू से कम है, इट इज़ नोन एज अंडर वैल्यूड असेट। उसको हम बोलते हैं अंडर वैल्यूड असेट, मतलब कि वो असेट की वैल्यू जो है वो कम है तो वो अंडर वैल्यूड असेट होगी, ठीक है। इफ़ द असेट मार्केट अवेलेबल इन द प्राइस विच मोर देन द इंट्रेंसिक वैल्यू, अगर उस असेट की वैल्यू, आपकी असेट की वैल्यू मार्केट में अगर आपके सोचे मुताबिक से भी ज़्यादा है, तो उसको हम बोलेंगे ओवर वैल्यूड असेट, इट इज़ नोन एज ओवर वैल्यूड असेट, ठीक है। एन इन्वेस्टर कैन मेक प्रॉफिट बाई इन्वेस्टिंग इन अंडर वैल्यूड असेट, और एक इन्वेस्टर जो है वो हमेशा इन्वेस्ट करने के लिए अंडर वैल्यू असेट्स में असेट को डालता है, एंड नॉट इन ओवर वैल्यूड असेट, और जो ओवर वैल्यूड असेट्स होती हैं उसमें एक इन्वेस्टर कभी भी इन्वेस्ट नहीं करता। Therefore, the value of an asset is very important in investment process. यहाँ पे लिखा है valuation of asset, किसी भी asset का valuation जो है वो बहुत ही ज़्यादा important होता है एक investment process के लिए। और इस chapter के अंदर हम आज valuation सीखेंगे, fixed income securities और इसको कैसे deal करना है वो सीखेंगे। valuation principle, वैल्यूएशन principle determine करवाता है कि net worth asset जो है वो कितनी होगी इन फ्यूचर में। यहाँ पे देखो लिखी है लाइन, डिटरमाइनिंग ऑफ द इकोनॉमिक वर्थ ऑफ द असेट, जो इकोनॉमिक वर्थ है, फॉर एग्जांपल आज आपकी कोई चीज़ है जो 100 रुपये की है और वो 2 साल के बाद 500 रुपये की हो जाएगी, तो वो यही चीज़ वैल्यूएशन करने में मदद करेगा वैल्यूएशन प्रिंसिपल। इट इज़ ए प्रोसेस इन विच द इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ एन असेट इज डिटरमाइन, ये एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पर आपकी असेट की इंट्रेंसिक वैल्यू डिटरमाइन की जाती है। इंट्रेंसिक वैल्यू और रियल वर्थ जो होती है वो दोनों को कंपेयर्ड करी जाती है, और जो ज़्यादा मुनाफे वाला सौदा होता है वो उसको सोल्ड करी जाएगी। दिस हेल्प्स एन इन्वेस्टर टू मेक बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और यही चीज़ जो है एक इन्वेस्टर्स को बेटर डिसीजन लेने के लिए हेल्प करती है, ठीक है। अगर मैं नॉर्मल भाषा में आपको बताऊँ, फॉर एग्जाम्पल आप समझो आपके पास एक बाइक है, ठीक है, उस बाइक की कीमत है 70,000 रुपीज़,
आप उसको बेचना चाहते हो। अब आप मार्केट में जाके देख रहे हो कि कौन सी वैल्यू अच्छी है, हम किसको बेचें। अब मार्केट में 70,000 की अगर आपकी बाइक की कीमत है और आपने रेट लगाया कि मैं इस बाइक को 40,000 में बेच दूंगा, जो कि ज़्यादा भी चली नहीं है, मुश्किल से 2 महीने मैंने यूज़ करी है, मगर मैं 40,000 में इसको बेच दूंगा, नई बाइक है बिल्कुल, ठीक है, कोई टूट फूट है नहीं इसके अंदर। अब आप उसको मार्केट में बेचने जाते हो, मार्केट में पता चलता है कि भाई मंदी की वजह से मार्केट का रेट जो है सिर्फ अभी जो है वो 20,000 के लगभग है, मार्केट में बाइक का रेट जो है 20,000। तब आप क्या करोगे, एक ऐसी पार्टनर को या एक ऐसे जगह को ढूंढोगे जहां पर आपकी मार्केट में वैल्यू का जो बाइक का रेट है वो 40,000 के अप्रोक्स मिले। 40 नहीं तो अगर 40 से 38 हो गया वो भी चल जाएगा, बट 20 में आप बेचने को तैयार नहीं हो, ठीक है। तो ये जो ढूंढने की प्रोसेस है, ये जो आप अपने लिए बेटर से बेटर ढूंढ रहे हो कि मेरे को बेचने पे कम से कम 40, 38, 35 तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, ज़्यादा मिल जाए तो ठीक है, कम मिलता है तो इतना ही कम चलेगा, ज़्यादा कम नहीं चलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा वो प्रोसेस जो है ना ढूंढने की, और जब आप डिसीजन लोगे तो वो प्रोसेस को हम बोलते हैं वैल्यूएशन प्रिंसिपल, ठीक है। आगे लिखा है, सिंस द स्कोप ऑफ सिलेबस इज लिमिटेड टू फाइनेंशियल असेट, वैल्यूएशन कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू ओनली फाइनेंशियल असेट आर डिस्कस्ड हेयर। सिर्फ फाइनेंशियल असेट से रिलेटेड ही इस बुक में कॉन्सेप्ट जो दिए हुए हैं वही हम डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू ऑफ एन असेट इज द प्राइस एट विच इट इज़ ट्रेडेड इन द मार्केट। मार्केट वैल्यू वो प्राइस होता है जिस प्राइस पर मार्केट में कोई चीज़ खरीदी या बेची जा रही है। जैसे कि मैंने बाइक का एग्जांपल लिया था, तो अगर मार्केट में उसकी कीमत 20,000 रुपये थी और आदमी 40,000 चार्ज कर रहा था, मतलब मेरे को 40,000 चाहिए ही चाहिए, तो जो मार्केट वैल्यू वो क्या थी, 20,000, वो मार्केट वैल्यू कहलाती है। द मार्केट वैल्यू ऑफ ए फाइनेंशियल असेट कैन बी ईजिली ट्रेस फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। किसी भी चीज़ की मार्केट वैल्यू ट्रेस करना बहुत इजी है उसकी स्टॉक मार्केट से। इफ़ द सिक्योरिटी इज लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, जो सिक्योरिटी है वो अगर लिस्टेड है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में, तब इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी विच इज़ नॉट लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। अगर कोई भी चीज़ स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है तो उसकी मार्केट वैल्यू फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट इज बेस्ड कॉन्सेप्ट ऑन ए हिस्टोरिकल कॉस्ट रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट। बुक वैल्यू ऑफ ए डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इट इज द वैल्यू स्टेटेड बैलेंस शीट विच इज द फेस वैल्यू इटसेल्फ। बुक वैल्यू क्या होती है, ये वो वैल्यू होती है जब हम अपनी कोई भी किसी भी कॉन्सेप्ट को रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस शीट के अंदर, तो हम जो वैल्यू उस एसेट की डालते हैं बुक में अपने, तो वो हमारी बुक वैल्यू कहलाती है, वो हमारी बैलेंस शीट में जिस भी असेट की वैल्यू जो भी होगी वो हमारी कौन सी बुक वैल्यू कहलाएगी। ये एक तरह के डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, अगर आप इनको इन फ्यूचर बेचते हो तो आपको इससे फायदा होता है। बुक वैल्यू ऑफ एन इक्विटी शेयर इज द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर जो होती है ना, वो वैल्यू शेयर होल्डर्स के इक्विटीज के बराबर होती है। फंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, हमने जो भी फंड होगा स्टार्टिंग में कंपनी के फंड को डिवाइड किया होगा, छोटे छोटे शेयर होल्डर्स को दिया होगा, तो वो फंड्स डिवाइड करके जो वैल्यू बनती है वो इक्विटी शेयर्स वैल्यू, ठीक है। द बुक वैल्यू कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द अनरियलिस्टिक अजम्पशंस दैट ऑल द असेट वुड बी रियलाइज्ड ऑन द वैल्यू शोन इन द बैलेंस शीट। बताया गया जो बुक वैल्यू होती है वो एक अनरियलिस्टिक अजम्पशंस पे चलती है जो कि असेट्स में पाई जाती है, और उसको हम ही बैलेंस शीट में डालते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कहा था कि मेरी बाइक की कीमत जो है वो 40,000 रुपीज़ होनी चाहिए, मीन्स 40,000, बट मार्केट वैल्यू 20,000 है। मैंने क्या करा, अनरियलिस्टिक वैल्यू अपने आप में दिमाग में ख्यालों में बना ली कि मुझे तो इसके 40,000 ही चाहिए, ठीक है, वो चीज़ है। आगे लिखा है, इट्स इग्नोर्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म एंड द बैलेंस शीट वैल्यू एंड हिस्टोरिकल इन नेचर। ये इग्नोर करती है किसी भी तरह का होने वाला फर्म से प्रॉफिट या फिर बैलेंस शीट की वैल्यूज को। दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट वाइडली यूज्ड, ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा यूज्ड में नहीं होता। तीसरा आता है लिक्विडेशन वैल्यू। लिक्विडेशन वैल्यू मीन्स द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट कुड बी रियलाइज्ड बाय सेलिंग एन असेट एंड द अमाउंट पेड एज लाइबिलिटी। हमारा लिक्विडेशन वैल्यू का मतलब क्या है, लिक्विडेशन वैल्यू वो वैल्यू होती है जब किसी भी असेट्स को या किसी भी प्रॉपर्टी को सेल करने पे जो अमाउंट मिलता है वो अमाउंट, और उसके साथ साथ जो हमने अमाउंट पे लायबिलिटी वगैरह को खरीदा होगा,
ठीक है, वो अमाउंट, दोनों अमाउंट के डिफरेंस को हम लिक्विडेशन वैल्यू कहते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विडेशन वैल्यू इज द बेटर देन बुक वैल्यू कॉन्सेप्ट एंड इट इज कंसिडर्ड टू रियलाइज वैल्यू ऑफ द एसेट। जो लिक्विडेशन वैल्यू है ना, ये हमारी बुक वैल्यू से ज़्यादा बेटर रहती है और इसके अंदर रियलाइजेबल वैल्यू जो होती है एसेट्स की, वही मेंशन होती है। इट हैज़ ए मोर प्रैक्टिकल अप्रोच। दिस मेथड लैक ऑन द ग्राउंड दैट असरटेनिंग द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी। टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी का मतलब होता है कि जितना टाइम हम किसी भी असेट्स को अपने पास रखेंगे, ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, असेट्स की वैल्यू कम होती जाएगी और जितना टाइम कंज्यूम होता जाएगा ग्राउंड लेवल पे, जितनी भी हम उसकी वैल्यू को अपने पास रखते जाएंगे वो कम होती जाएगी और वो क्या होगी, टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी कहलाएगी। दिस मेथड ऑल्सो इग्नोर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फर्म। ये मेथड जो है प्रॉफिटेबिलिटी इग्नोर करती है फर्म की। नेक्स्ट पॉइंट है गोइंग कंसर्न वैल्यू। गोइंग कंसर्न वैल्यू को GV बोला जाता है। इट इज़ द वैल्यू ऑफ ए बिजनेस यूनिट एज ए गोइंग कंसर्न एंटिटी। कोई भी बिजनेस जो लंबे समय तक चलने वाला है या चल रहा है, उसमें जो लगने वाली असेट्स हैं या कोई भी ऐसी मार्केट्स में जो सिक्योरिटीज हैं या कोई डिवेंचर्स हैं या डिविडेंड्स हैं, उनकी वैल्यूज को हम गोइंग कंसर्न वैल्यू में काउंट करते हैं। दिस इज बेस्ड ऑन द फ्यूचर अजम्पशंस अबाउट प्रॉफिट एंड सेल। ये फ्यूचर अजम्पशन पे बेस्ड होती है जिसमें प्रॉफिट और सेल भी शामिल है ऑफ द बिजनेस हैविंग परपेचुअल सक्सेशन। नेक्स्ट पॉइंट है कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एन असेट्स इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर स्ट्रीम्स ऑफ कैश फ्लो। कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो है असेट्स है जो कि प्रेजेंट में इस टाइम पे या कोई फ्यूचर के टाइम पे कैश फ्लो होने वाला है, डिस्काउंट है या कोई भी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, उसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू शो करता है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू मेथड इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिकॉज इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन द फ्यूचर स्ट्रीम ऑफ कैश इनफ्लो एंड डिस्काउंट दोज इनफ्लोज एट द प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू। कैपिटलाइजेशन मेथड जो है फ्यूचर में होने वाली कैश फ्लोज को, डिस्काउंट्स और इनफ्लो, कितना पैसा आने वाला है, कितना पैसा असेट से जाएगा, वो सारा कैलकुलेट करके प्रेजेंट वैल्यू आउट करके देता है। तो हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आ चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है बॉन्ड वैल्यूएशन। द वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड एंड डिबेंचर्स इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन वैल्यू। कैपिटलाइजेशन वैल्यू जो है बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, उसमें दोनों ही शामिल होते हैं। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड एंड डिबेंचर इज द प्रेजेंट ऑफ द फ्यूचर स्ट्रीम। डिबेंचर्स जो हैं वो प्रेजेंट में, फ्यूचर में जितनी भी कैश इनफ्लो होंगी, किसी भी तरह का इंटरेस्ट या रिडम्पशन होगा उस वैल्यू पे, वो सारा इसके अंदर शामिल है। द इंटरेस्ट ऑफ द रिडम्पशन वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। इंटरेस्ट एंड द रिडम्पशन वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। कितनी भी फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज से जो मिलने वाला पैसा है वो सारा का सारा नोन विद अनसर्टेनिटी द वैल्यू ऑफ बॉन्ड डिवेंचर्स कैन ईजिली कैलकुलेटेड। और हम उसके कोई भी बॉन्ड से डिवेंचर्स को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इंट्रेंसिक वैल्यू पर जो बॉन्ड्स होते हैं और जो डिवेंचर्स होते हैं उनको कुछ फैक्टर्स में बांटा गया है। पहला है फेस वैल्यू, दूसरा है कूपन रेट। हम दोनों को डिस्कस करेंगे, फेस वैल्यू क्या होता है, कूपन रेट क्या होता है। फेस वैल्यू और पार वैल्यू इज द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ एनी सिक्योरिटी। फेस वैल्यू कहो या पार वैल्यू कहो, किसी भी सिक्योरिटी का वो प्रिंसिपल अमाउंट माना जाता है। डिबेंचर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, प्रेफरेंस शेयर हो गया और कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट है फेस वैल्यू का, वो सारे की सारे, ठीक है। आगे लिखा है उसके बाद फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दिया है आपको, ए बॉन्ड विद फेस वैल्यू 100 रुपीज। एक बॉन्ड है जिसकी फेस वैल्यू है 100 रुपीज, मे बी इशूड एट 90 रुपीज और 100 रुपीज और 120 रुपीज सिमिलरली। उस बॉन्ड को हम 90 रुपीज पे भी इशू कर सकते हैं, 100 रुपीज पे भी और 120 रुपीज पे भी इशू कर सकते हैं। पहले आप ये समझो, अगर हमने बॉन्ड को 100 रुपीज की वैल्यू का बॉन्ड है, वैल्यू 100 की है, 90 रुपये पे इशू करेंगे तो हम डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, 100 रुपये पे इशू करेंगे तो पार पे इशू कर रहे हैं, और अगर हमने 120 पे इशू कर दिया तो वो क्या है, प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भैया, प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं,
ठीक है, कह रहा है इट इज़ ऑल्सो नॉट नेसेसरी दैट द रिडम्पशन वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने जिस वैल्यू पर रिडम्पशन करना है वो वैल्यू फेस वैल्यू के बराबर हो। सपोज करो आपने 100 रुपये की फेस वैल्यू पे माल को बेचा, पार की वैल्यू पे बेचा, आने वाले टाइम पे हो सकता है कुछ लॉस हो गया, शेयर्स की वैल्यू गिर गई, जिसकी वजह से अब वो हमें 90 रुपीज़ में रिडम करना पड़ेगा, हर एक शेयर पे 10 रुपये का घाटा। ठीक है, हो सकता है आने वाले टाइम पे उसकी वैल्यू इतनी बढ़ गई कि 120 रुपये हो गया, हर एक शेयर पे 120 रुपये आप ले रहे हो रिडम करते टाइम। ठीक है, तो ये क्या है आपका फायदा हो गया। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, फेस वैल्यू कम भी हो सकती है, इक्वली भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। आगे लिखा है नेक्स्ट पॉइंट है कूपन रेट। कूपन रेट क्या है, इट इज़ फिक्स्ड रेट अटैच ए डेप्ट इंस्ट्रूमेंट। एक फिक्स्ड रेट है जो कि डेप्ट इंस्ट्रूमेंट पे लगाया जाता है कोई भी डिवेंचर्स हो गया शेयर होल्डर्स है। इट इज ऑल्सो नोन एज द इंटरेस्ट रेट बिकॉज द पीरियड ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स इज कैलकुलेट द रेट। इसको हम दूसरी तरह से इंटरेस्ट रेट भी बोलते हैं, क्योंकि जो भी पीरियडिक इंटरेस्ट होते हैं, जो भी हमारे डिवेंचर्स होते हैं जिनको हम इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं, उन पर लगने वाला रेट होता है, कैलकुलेट किया जाता है एक पीरियड के दौरान। इट इज टू बी नोटेड द कूपन रेट इज कैलकुलेट ऑन द फेस वैल्यू एंड नॉट इशू प्राइस। कूपन रेट को हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करा जाएगा, कोई भी इशू के प्राइस पे कैलकुलेट नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल फेस वैल्यू 10% ऑफ बॉन्ड इज 1000 रुपीज़। 1000 रुपीज़ का कोई भी बॉन्ड है जिसकी 10% होगी फेस वैल्यू, मीन्स वो हो गया 100 रुपीज़। द बॉन्ड वॉज इशू इन 1200, बॉन्ड को इशू करा 1200 पे। ठीक है, अब 1200 का 10% कितना हो गया 120 रुपये। तो अगर हमने कोई भी बॉन्ड या फेस वैल्यू पे इशू करा 100 रुपये पे, तो हम जब उसको रिडीम करेंगे तो 120 रुपये पे करेंगे, सिंपल सा है। आगे लिखा है नेक्स्ट पॉइंट है टाइम टू मैच्योरिटी। टाइम टू मैच्योरिटी एक टाइम ड्यूरेशन है जब हम अपने किसी भी रिडेम्पशन के टाइम पे बॉन्ड या शेयर्स इशू करते हैं, उसको जब हम रिडीम करते हैं तो रिडीम के टाइम पे हम ना सामने वाले को टाइम देते हैं कुछ, भाई हम 2 महीने 3 महीने 6 महीने बाद इसको रिडीम करेंगे। तो वो जो टाइम है जो हमने ड्यूरेशन उसको दी है रिडीम करने के और इशू करने के बीच का जो टाइम है, वो हमारा टाइम टू मैच्योरिटी होगा। जब टाइम पूरा हो जाएगा, जब 3-4 महीने हो जाएंगे, हमने जिस टाइम दिया है उसको रिडीम कर लेंगे फिर हम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रिडेम्पशन वैल्यू और उसके बाद है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। रिडेम्पशन वैल्यू वो वैल्यू होती है जब हम डिवेंचर्स वगैरह इश्यूज करते हैं और जब हम उसको रिडीम करते हैं, रिडीम टाइम पे हम जो वैल्यू में उसको ले रहे हैं, वापस खरीद रहे हैं, उसको हम बोलते हैं रिडेम्पशन वैल्यू। रिडेम्पशन मतलब होता है वापस लेना। पहले आप क्या करते हो, पहले आप शेयर्स को इशू करते हो और वहां सामने वाली पार्टी आपको पैसा देती है ना, ऐसे करते हो। ये आप हो, आपने शेयर इशू करे ए पर्सन ने बी को और बी ने उसके बदले आपको पैसे दिए। अब आप क्या कर रहे हो, रिडीम कर रहे हो। आप उनको पैसा दोगे, वो आपको शेयर्स वापस कर देंगे, इसको बोलते हैं रिडेम्पशन। ठीक है, आगे लिखा है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न में लिखा था फ्यूचर streams of cash flow are discounted at the required rate of return of the investor. In future में जो भी cash flow है, जो भी discounted rate of return है, वो investors आपको pay करके देता है आपके जो भी shares वगैरह आपके उनके पास होंगे। Minimum rate of return that the investor requires to buy and hold any security. किसी भी सिक्योरिटी को बेचने या खरीदने के टाइम पे एक इन्वेस्टर उसका कुछ मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न तय कर देता है। डिपेंड करता है रेट ऑफ रिटर्न की जो प्रॉपर्टी है या जो असेट है वो कितनी ज़्यादा रिस्क फ्री है। रिस्क फ्री मतलब होता है कि कोई भी अगर उस पर बैरियर नहीं होगा, कोई भी रिस्क नहीं होगा, उतना ज़्यादा उसको रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। ठीक है, नीचे क्वेश्चन है, नीचे जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें हमें कैलकुलेट करनी है बॉन्ड वैल्यू। आपको मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन को एंड में आप देखोगे ना तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। फाइंड द बॉन्ड वैल्यू, अब एक इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन दी है, इस इक्वेशन को लगा के बॉन्ड वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। बॉन्ड वैल्यू का फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिया है जो कि आपको नोट करना है। बॉन्ड वैल्यू में बॉन्ड वैल्यू निकालते कैसे, सिग्मा इज इक्वल्स टू 1 प्लस में इनिशियल्स अपॉन में 1 प्लस के ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस में आर वी अपॉन में 1 प्लस के फिर n आता है। देखो 1 प्लस में के और ये 1 है, 1 प्लस में के और ये n है, ऊपर इनिशियल्स और एक आर वी, दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, बस ये याद रखना, और आगे होता है सबसे 1, ये रहा। अब इसको निकालने के लिए आप देखोगे कि जो बी ओ है, बी ओ मतलब होता है कि करंट मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड, मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड, करंट मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड। के क्या होता है, के डिनोट करता है
कॉस्ट ऑफ डेब्ट ऑन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट ऑन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, INT, इनिशियल्स क्या दिखाते हैं, इनिशियल दिखाते हैं इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट पीरियड, फर्स्ट पीरियड में जो इंटरेस्ट हुआ है, RV, रिडेम्पशन वैल्यू, N मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स। अब इस फॉर्मूले को लगा के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो, ठीक है। नीचे क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है, सारा समझाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन में पढ़ोगे, क्वेश्चन में लिखा है एग्जाम्पल नंबर वन, ए रुपीज 1000 रुपीज बॉन्ड बियरिंग ए कूपन रेट 10% इज रिडेम्पशन इन 8 ईयर, 8 साल बाद रिडेम्पशन होगा। अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, हमें जो जो चीज़ें मिलती जाएंगी मैं उनको मार्क करवाता चला जाऊँगा आपको, ठीक है। 8 ईयर्स का जो है टाइम, ये आपको क्या मिला हुआ है, मिल गया नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। डिस्काउंट रेट 8% है, 10% है, 12% है, तीन अलग अलग रेट दिए हैं तो तीन अलग अलग तरीके से कैलकुलेट होगा। हाउ योर आंसर विल चेंज इफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 12 बट द मैच्योरिटी पीरियड इज 7 ईयर और 10 ईयर। कह रहा है कि आपका जो आंसर है वो कैसे आप निकालोगे, कैसे रेट ऑफ रिटर्न चेंज करोगे, अगर पहला रेट ऑफ रिटर्न अगर 12% है और मैच्योरिटी टाइम 7 साल या 10 साल का होगा। तो क्वेश्चन में पहले आपको फॉर्मूला पुट करना है, फॉर्मूला आपने पूरा पुट कर दिया, फिर उसके बाद आप लिखोगे केस नंबर वन, जिसमें आप लिखोगे व्हेन 8% का आपको रिटर्न दिया, डिस्काउंट रेट क्या है 8%, 10% और 12%। पहले आपको तीनों केस निकालने हैं। 8% में अगर दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे इनिशियल्स मल्टीप्लाई में PVAF, उसके बाद प्लस में RV मल्टीप्लाई में PVF। अब ये PVF क्या है अभी आपको बता देता हूँ। तो PV जो AF है, तो यहाँ पे रखिए डिस्काउंट वैल्यू जो इन्होंने कैलकुलेट करके निकाली हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे लिख रखा है इनिशियल्स, तो इनिशियल्स मतलब कि जो भी आपका इंटरेस्ट था वो 100 था। RV मतलब रिडेम्पशन वैल्यू जो थी वो 1000 रुपीज़ पे थी, तो इन्होंने 1000 लिख दी, फिर उसकी मल्टीप्लाई PVAF और PVF से कर दी है। मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, जो वैल्यू आई है उनको ऐड करके निकाल दिया, ये आ गया, ठीक है। ये कब निकला है, जब आपका जो रेट है वो 8% का है। ऐसे ही रेट अगर 10% का है तो सेम बिल्कुल एज इट इज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो हमारा 10% का आया है, तो इन्होंने 10% के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू रख के फिर से इसको कैलकुलेट करके निकाला है, ठीक है। बस इसमें ना आपको ये चेंज होता जाएगा बार बार, ये जो PVF है ये चेंज होता जाएगा, क्योंकि आपने पिछले में 8% के हिसाब से निकाला था, यहाँ 10% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है, और नीचे फिर ऐसे ही 12% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है, ये 12 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया है। बस ये चेंज करते जाओगे, बाकी एज इट इज आपको निकालना है दोनों को मल्टीप्लाई करके और ऐड करके, तो आपके सारे साल का निकल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 5 साल तक का निकाला हुआ है तो यहाँ पे 5 साल का निकालना, जैसे कि 4 और 5, ये वाले केस में आप देखोगे तो 12% है 7 ईयर्स के हिसाब से, 12% है 10 ईयर्स के हिसाब से, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया, दोनों मल्टीप्लाई करा, नीचे ऐड कर दिया, 887 हमारा आंसर आ गया। तो बस इतना ही आपको करना है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड वैल्यू एंड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो अब हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड वैल्यू एंड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के बारे में। नीचे मैं अभी आपको एक टेबल शो करूंगा, इस टेबल के अंदर हम यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न, कूपन रेट और फेस वैल्यू और बॉन्ड वैल्यू समझेंगे। उससे पहले आपको ये समझा दूँ, इट मीन्स दैट कीप अदर वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट When the required rate is return increases, यहाँ पे लिखा है कि जो required rate of return है जब वो increase होगा, बढ़ेगा, तो बाकी जो other constant है वो variables रहेंगे, मतलब कि वो ऊपर नीचे होंगे, ठीक है। Bond value decrease and when the required rate of return is decreased, जब bond value जो है decrease होती है तो required rate of return भी कम होता है, decrease होता है। इसी के साथ साथ उल्टा अगर हम कर दें, जब बॉन्ड वैल्यू इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ रिटर्न भी इंक्रीज होगा। द रेट ऑफ रिटर्न इज मोर देन द कूपन रेट, जो रेट ऑफ रिटर्न होता है वो कूपन रेट से ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद लिखा है द बॉन्ड वैल्यू इज लेस देन द फेस वैल्यू
एंड वैन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज लेस देन द कूपन रेट। जो बॉन्ड वैल्यू होती है वो कम होती है लेस देन द फेस वैल्यू, वो फेस वैल्यू से कम होती है और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो होता है वो कम होता है कूपन रेट से। ठीक है, नीचे अब आपको यहाँ पे एक टेबल शो कर देता हूँ, ये आप टेबल आप देख सकते हो। यहाँ पर जो कूपन रेट सेम है 10% है। रिक्वायर्ड रेट क्या है 8, 10 and 12। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो इंक्रीज हो रहा है। जब रेट ऑफ रिटर्न इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ बॉन्ड की वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, और फेस वैल्यू वो सेम है एज पर। आगे लिखा है अगला रिलेशनशिप है बिटवीन बॉन्ड वैल्यू और टाइम ऑफ मैच्योरिटी। बॉन्ड वैल्यू के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो टेबल में कूपन रेट सेम है, रिक्वायर्ड रेट भी सेम है। ऊपर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो पहले 8 था, फिर 10 था और फिर 12 हुआ था। ठीक है, और इसकी वजह से क्या था, इसकी वजह से जो बॉन्ड वैल्यू था वो धीरे धीरे कम हो रहा था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तीनों चीज़ें सेम है और जब ये सेम है तो मैच्योरिटी डेट्स ईयर जो है यहाँ पे 10 साल है, फिर 8 साल है, फिर 7 साल है। टाइम जैसे जैसे कम हो रहा है, बॉन्ड वैल्यू पहले कम थी, फिर ज़्यादा थी, फिर और ज़्यादा थी, धीरे धीरे वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मेलकिल्स प्रॉपर्टी रिगार्डिंग बॉन्ड प्राइसिंग। तो मेलकिल्स के अकॉर्डिंग इन्होंने कुछ प्राइसिंग टेबल दी है, ठीक है, जिसको हम डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट नंबर 1 है, तो फर्स्ट पॉइंट है बॉन्ड प्राइस एंड यील्ड प्राइस आर इन्वर्सली रिलेटेड। जो बॉन्ड प्राइस होते हैं और वो इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। दूसरा पॉइंट है द प्राइस चेंज कॉज्ड बाय द इंक्रीज इन यील्ड। जब इंक्रीज होता है प्राइस यील्ड का तो प्राइस चेंज हो जाते हैं स्मॉलर देन द प्राइस चेंज ऑफ डिक्रीज इन यील्ड। और जब वो स्मॉलर होता है प्राइस तब वो धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं सेम मैग्नीट्यूड से। तीसरा है एज़ कम्पेयर टू द शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स। अगर शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स से कंपेयर करा जाए प्राइस ऑफ लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स जो है मोर सेंसिटिव होते हैं चेंज इंटरेस्ट रेट में। थर्ड पॉइंट के बाद फोर्थ है इंटरेस्ट रेट रिस्क इंक्रीजिंग एट ए डिक्रीजिंग रेट ऑफ मैच्योरिटी इंक्रीज। वैल्यूएशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर जो है वो रिडीमेबल वैल्यूज कैसे उसकी कैलकुलेट करी जाती है। द वैल्यूएशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज शेयर द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फ्यूचर स्ट्रीम डिविडेंड एंड रिडेम्पशन वैल्यू डिस्काउंटेड द एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट ऑल्सो नोन एज द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इट इज़ कैलकुलेट यूजिंग फॉर्मुलेशन इक्वेशन। नीचे आपको इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल वैल्यू कैलकुलेट होती है। ऊपर डी आई दिया हुआ है, डी आई मतलब ये जो डी आई एस का मतलब होता है डिविडेंड ऑफ ए पीरियड। आगे आपको वन लगाना है फॉर्मूले में, फिर आपको नीचे लिखना है वन प्लस में के पी। के पी मतलब होता है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर और द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। इधर आपको आर वी लिखना है, आर वी मतलब रिडेम्पशन वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर अपॉन में वन प्लस में के पी। के पी मतलब होता है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। और नीचे है एन, एन मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, अब आपको एक न्यूमेरिकल का मैं एग्जांपल देके समझा देता हूँ। अब नीचे आपको एक न्यूमेरिकल दिख रहा है, ठीक है। न्यूमेरिकल में एक कंपनी है जिसके प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू जो है वो 100 रुपीज़ है, कूपन रेट जो है वो 8% का है। अब यहाँ पे जो 8% कूपन रेट है इसको आप बोलोगे डिविडेंड्स फर्स्ट पीरियड का। तो नीचे आपको दिया हुआ है डिविडेंड फर्स्ट पीरियड का जो कि 8 रुपीज़ है। ठीक है, 100 रुपीज़ ये आपकी प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू हो जाएगी। रिडीमेबल टाइम कितना है 5 ईयर्स का, तो नंबर ऑफ ईयर्स मेजोरिटी के कितने 5 साल। 110 रुपये जो दिया हुआ है ये आपका दिया हुआ है आर वी रिडेम्पशन वैल्यू। जब हम इसको रिडीम करेंगे 5 साल के बाद तो ये 110 रुपये की वैल्यू हो जाएगी। तो आर वी है हमारा 110। ठीक है, वैल्यू निकालनी है आपको, डिस्काउंट रेट है 7% का, 7% है आपका के पी। तो जो के पी है आप इसकी जगह 7% यूज़ करोगे और आपको फॉर्मूला सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग क्या होता है, यहाँ पे लिखा है हाई क्रेडिट रेटिंग इंडिकेट है हाई पॉसिबिलिटी ऑफ पेइंग बैक। जितनी ज़्यादा क्रेडिट रेटिंग होगी उतना ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि आपको इन रिटर्न्स में पैसे ज़्यादा लौटाने पड़ेंगे। डेप्ट विदाउट एनी इशू, कोई भी डेप्ट विदाउट एनी इशू। ए पुअर क्रेडिट रेटिंग सजेस्ट दैट इन द पास्ट, एक पुअर क्रेडिट रेटिंग जो है वो पास्ट को सजेस्ट करती है। बोरोवर हैड ट्रबल इन मीटिंग द फाइनेंशियल कमिटमेंट एंड द सेम पैटर्न माइट बी फॉलो इन द फ्यूचर। कोई भी बोरोवर है जिसने ज़्यादा पैसे ले रखे हैं तो इन फ्यूचर उसको क्रेडिट रेटिंग के अकॉर्डिंग आगे प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है,
क्रेडिट रेटिंग इज रिप्रेजेंट द इवोल्यूशन ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। क्रेडिट रेटिंग जो है वो रिप्रेजेंट करती है कोई भी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन कंपनी की, कोई भी गवर्नमेंट की या किसी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की। इसमें इंक्लूड होता है नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज एनालिटिक्स। उसके बाद लिखा है जनरली जो क्रेडिट रेटिंग होती है कंपनीज वगैरह उसको हमेशा ग्रेड्स में करके देती है इंडिकेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड और पुअर दो तरह की क्रेडिट रेटिंग है। अगर वो स्टैंडर्ड है तो ट्रिपल ए मतलब एक्सीलेंट, अगर वो दे रही है डबल ए प्लस ऑल वे ऑफ सी एंड डी इस तरह से क्रेडिट रेटिंग कर रही है तो इट मीन्स वो जंक बॉन्ड हो सकते हैं। अगर वो बी 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 माइनस करके दे रही है तो वो क्या है एक जंक बॉन्ड है, मतलब कि वो डिफॉल्ट लोन या डिफॉल्ट बॉन्ड हो सकते हैं। नीड फॉर क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग की नीड्स क्यों पड़ती है तो यहाँ पे लिखा है इट इज़ नेसेसरी इन द व्यू ऑफ ग्रोइंग नंबर ऑफ केसेज ऑफ डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल सम बोरोड फ्रॉम द वे ऑफ कॉरपोरेट डिपॉजिट्स। किसी भी कॉरपोरेट डिपॉजिट्स या कहीं से आपने अगर पैसा कोई उधार लिया है तो उसको पे करते टाइम आपका ग्रोइंग नंबर्स देखा जाएगा कि कितना पैसा आपने चुकाया हुआ है। क्रेडिट रेटिंग की प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर्स वगैरह कमर्शियल पेपर्स वगैरह के इशू करते टाइम नीड पड़ती है। दूसरी चीज है इन ऑर्डर टू मेंटेन कॉन्फिडेंस ऑफ इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। अगर आपको किसी भी इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जीतना है उस जगह पे आपका क्रेडिट रेटिंग देखा जाता है। क्रेडिट रेटिंग जितना ज़्यादा अच्छा है डिफॉल्ट नहीं करा गया है तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर हु कैन नॉट मॉनिटर द मैनेजमेंट ऑफ द डेब्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ ए कंपनी। एक सेफगार्ड की तरह काम आता है जहाँ पर इन्वेस्टर ये देख लेता है कि आपके डेब्ट इंस्ट्रूमेंट कितने हैं, क्रेडिट रेटिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपकी पैसा लगाना चाहिए नहीं। टू इनक्रेज सेवर टू इन्वेस्ट ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज, ये इनक्रेज करता है सेवर्स को जो पैसा लगाने के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं उन लोगों को कंपनी के अंदर। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं क्रेडिट रेटिंग के तो यहाँ पे लिखा है हेल्थी डिसिप्लिन ऑन द बोरोवर। ये इंक्लूड्स करता है, इंक्लूडेड्स होते हैं इसमें हेल्थी डिसिप्लिन और बोरोवर्स, ठीक है, जो आपके पैसा लगाने वाले हैं पैसा देने वाले हैं। दूसरा लैंड्स ग्रेटर लैंड्स ग्रेटर क्रेडेंस टू द फाइनेंशियल्स एंड द अदर रिप्रेजेंटेशंस। इट फैकिलिटेट्स फॉर्मुलेशन ऑफ पब्लिक गाइडलाइंस एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स। इट हेल्प्स टू मर्चेंट बैंकर ब्रोकर रेगुलेटरी अथॉरिटीज एटसेट्रा इन डिस्चार्जिंग देयर फंक्शन रिलेटेड टू डेप्ट इशू। कि कोई भी डेप्ट इशूज होंगे तो उसके अंदर किसी भी तरह का बैंकर्स ब्रोकर्स और रेगुलेटरी जो होते हैं वो हेल्प करते हैं डिस्चार्जिंग में। इट हेल्प्स टू इन्वेस्टर प्रोटेक्शन बाय मोटिवेटिंग ग्रेटर इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर, इन्वेस्टर्स की कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने से बचाते हैं। इट मे रिड्यूस इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन हाईली कंपनीज रेटेड, कंपनी के जो हाईली रेटेड होते हैं उनसे बचाने में हेल्प करते हैं। इट एक्ट एज ए मार्केट टूल, ये एक मार्केट टूल है पूरी तरह से। नेक्स्ट पॉइंट है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में आती है क्रिसिल। क्रिसिल होता है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये एजेंसीज जो है एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है जो इनकॉर्पोरेटेड 29th 1987 को कॉर्पोरेटेड हुई थी, ठीक है। और इसके साथ साथ और भी है जिसके अंदर आता है केयर। केयर मतलब होता है क्रेडिट एनालाइज एंड रिसर्च लिमिटेड, तो ये भी जो एक एजेंसी है क्रेडिट रेटिंग की। तीसरी है जिसका नाम है ICRA। फोर्थ है जिसका नाम है ओनिक्रा। ओनिक्रा मतलब है ओनिडा इंडिविजुअल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। इसको 1993 में एस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट जो एजेंसी है उसका नाम है IRRL, मतलब कि इंडिया रेटिंग रिसर्च लिमिटेड। फिर उसके बाद फोर्थ के बाद आते हैं सिक्स्थ, यहाँ पे फिफ्थ के बाद सिक्स्थ है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया, मतलब सिबिल। सिबिल जो है आज सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग क्रेडिट रेटिंग सिस्टम है जहाँ पर आपका सिबिल चेक करके पैसे वगैरह दिए जाते हैं। सो आपका चैप्टर नंबर जो 5 है वो यहाँ पर ख़त्म हो गया है बॉन्ड वैल्यूएशन का। आई होप वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस एंड कंटेंट आते रहेंगे चैनल एक्सप्लेन पर। और अगर किसी को भी नोट्स परचेज करने हैं तो स्क्रीन पे नीचे मेरा नंबर शो कर रहा है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, स्क्रीन पे डिस्प्ले करा जा रहा है बार बार। आप इस नंबर पे मुझे मैसेज करके नोट्स की सॉफ्ट कॉपी को बाय कर सकते हो मिनिमम अमाउंट पे करके।
और इसके बाद के जो भी लेक्चर्स वगैरह होंगे वो जल्दी आ जाएंगे, उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन चेकआउट जरूर करना एक बार। नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू एंड कीप फॉर